हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रियो पे रिवॉल्व कमांड कैसे यूज किया जाता है। ओके, और लास्ट में हम इसकी सेक्शनिंग भी करना सीखेंगे कि सेक्शन कैसे शो कराया जाता है इन अ क्रियो। सो लेट्स स्टार्ट इट, न्यू फाइल। ओके, सबसे पहले हमें प्लेन सेट करना है, फ्रंट प्लेन, स्केच, स्केच नॉर्मल। ओके, ड्रॉ लाइन, लाइन ड्रॉ करेंगे और डायमेंशनिंग करेंगे इसकी 300। ओके, अगेन ड्रॉ लाइन फ्रॉम हियर, वर्टिकल, horizontal, vertical, horizontal, vertical, then horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, and then close it. Dimensioning करेंगे, length है इसकी 60 mm, ओके, 40 mm, दिस इज ऑल्सो 40 mm, सॉरी, दिस इज 40 mm, ओके, this is our 60 mm. okay, now the dia, we have 10, from here to here, click on the scroller bar here and then 30 mm. okay, select these two parts and scroll the bar. This is 50 default. Okay, so our sketch is fully defined. Okay, हमें कैसे पता चला कि हमारी जो sketch है वो fully defined है? जो dimensions दी गई है हमें वो हमें blue color में show हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो sketch पे डायमेंशन है वो फुली डिफाइन हो चुकी है। ओके, देन क्लिक ऑन ओके, देन गो टू रिवॉल्व कमांड। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है सिलेक्ट आइटम, यानी हमें एक्सिस देना है जिसके थ्रू हमने रिवॉल्व करना है अपनी स्केच को। सो आई गिव दिस एक्सिस, ओके, यहाँ पे हमें रिवॉल्व कमांड शो हो गया। ओके, नाउ क्लिक देन, नाउ हम इसकी सेक्शनिंग करेंगे कि किस तरीके से हम सेक्शन करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन पे जाके यहाँ पे सिर्फ प्लेन डिस्प्ले रखेंगे। ओके, एंड गो टू दिस फीचर, यहाँ पे सेक्शन, सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू सेक्शन क्रिएट करना है, प्लेनर। ओके, देन ए, आई गिव प्लेनर ए। ओके, देन एंटर। नाउ यहाँ पे हमने जिस भी प्लेन पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पे स्केच हमारी सेक्शन शो करा देगा। यहाँ पे हैचिंग के थ्रू हम सेक्शन को देख सकते हैं। ओके, और हम कलर भी फील कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, देन ओके, ठीक है, दिस इज इट,
Thank you.